साथियों, मेरे लिए एक और संतोष की बात है। सरकार की इस प्रकार की योजनाओं का सबसे अधिक लाभ हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को मिला है। और हम तो जानते हैं हमारी मां बहनों का स्वभाव होता है, कितनी ही तकलीफ हो, शरीर में कितनी ही पीड़ा होती हो, लेकिन वो परिवार में किसी को बताती नहीं है। वो सहन करती भी है, काम भी करती है, पूरे परिवार को संभालती भी है, क्योंकि उसके मन में रहता है कि अगर बीमारी का पता परिवार के लोगों को लगेगा, बच्चों को लगेगा, तो वो कर्ज कर करके भी मेरा उपचार कराएंगे। और मां सोचती है, अरे बीमारी में थोड़ा समय निकाल दूंगी, लेकिन बच्चों पे कर्ज नहीं होने दूंगी, मैं अस्पताल जाके खर्च नहीं करूंगी। इन माताओं की चिंता कौन करेगा? क्या मेरी माताएं इस प्रकार की यातनाएं चुपचाप सहती रहे? ये बेटा किस काम का? और उसी भावना से आयुष्मान भारत योजना का जन्म हुआ है, ताकि मेरी माताओं बहनों को बीमारी से गुजारा न करना पड़े, जीवन में इस मजबूरी से जीना न पड़े। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ लेने वाली माताएं बहनाएं 50% से ज्यादा है। हमारी माता बहनियां हैं, बेटियां हैं, साथियों, चाहे शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो, मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना हो, मुफ्त सैनिटरी नेपकिन देने का अभियान हो, मातृवंदना योजना के तहत हर गर्भवती महिला को पोषक आहार के लिए हजारों रुपये की मदद हो, या फिर हर घर जल पहुंचाने का हमारा अभियान हो, ये सारा मेरी माताओं बहनों को सशक्त करने वाले काम हम एक के बाद एक करते चले जा रहे हैं। माताओं बहनों बेटियों का सुख सुविधा सम्मान सुरक्षा और स्वास्थ्य डबल इंजन की सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है, उनको जयराम जी और उनकी पूरी टीम ने, उनकी सरकार ने भी बहुत तेज गति से और बड़े स्पिरिट के साथ उसको जमीन पर उतारा है और उसका दायरा भी बढ़ाया है। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम यहां कितना तेजी से हुआ है, ये हम सभी के सामने है। पिछले 7 दशकों में जितने नल कनेक्शन हिमाचल में दिए गए, उससे 2 गुने से भी अधिक सिर्फ बीते 3 साल में दे चुके हैं हम, मिल चुके हैं लोगों को। इन 3 वर्षों में 8.5 लाख से अधिक नए परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा मिली है।